स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टॉपिक पॉलिनेशन। तो जो हम स्टार्ट कर रहे थे हमने टॉपिक, तो इसमें जो टॉपिक लिए हैं हमने वो किस लिए, फर्टिलाइजेशन से पहले के जो स्टेप्स हैं उससे पहले के हमने, पॉलिनेशन से पहले एक स्टेप आता है गैमेटोजेनेसिस का, जिसकी की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं उनको, उनका लिंक मैंने अपनी लास्ट वीडियो का लिंक मेंशन करा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब इसमें जो सेकेंड प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या आता है, पॉलिनेशन। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया तो अब बात आती है पॉलिनेशन, मतलब जो पॉलन ग्रेन है, मेल गैमेट है, वो फीमेल के पास कैसे पहुंचे, उसके जब वो मेल फीमेल के पास पहुंचेगा तभी क्या हो सकता है, उसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आते हैं जिसके अंदर की एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे हम पॉलिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि गैमेटोजेनेस जब गैमेट्स फॉर्म हो गए तो उसके बाद क्या होगा, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, है ना, जो ट्रांसफर हो रहा है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास वो पॉलिनेशन होता है ना। तो पॉलिनेशन को हम डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर एंड देयर डिपोजिशन ओवर स्टिग्मा ऑफ देयर पिस्टल इज नोन एज द पॉलिनेशन। जो भी पॉलन ग्रेन है एंथर से निकलकर जब वो स्टिग्मा पर डिपोजिट हो जाता है पिस्टल के, तो उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो आप पॉलिनेशन जो है इसमें क्या होता है कि सेम फ्लावर में भी पॉलिनेशन होता है, दो डिफरेंट फ्लावर में भी पॉलिनेशन होता है, और दो अलग अलग प्लांट होते हैं और उसपे अलग अलग फ्लावर हो गया मेल फीमेल, उसमें भी पॉलिनेशन होता है। तो नॉर्मली जो हम बोलते हैं पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया कि जब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन का एक एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल फ्रॉम डिफरेंट, मतलब ऑफ डिफरेंट फ्लावर, दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग ये जो पढ़ते हैं हम स्टेप्स पॉलिनेशन के, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि उसमें हम ब्राइट कलर के या ओपन फ्लावर या बड़े फ्लावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं उनके अंदर जो है क्या होते हैं, ब्राइट कलर के फ्रेग्रेंट वाले और कैसे होने चाहिए फ्लावर, लार्ज फ्लावर होने चाहिए, है ना। लेकिन इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स लार्ज अमाउंट में यूज होते हैं, वेस्टेज ज्यादा होती है। सेल्फ पॉलिनेशन में वेस्टेज नहीं होती है, पॉलन ग्रेन कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक नॉर्मल सा आप लोग 10th क्लास तक ये पढ़ते हुए आ रहे हो, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम यहाँ पे इनको थोड़े से अलग नाम देंगे, हम इसमें तीन टाइप के पढ़ते हैं। जैसे हम क्रॉस पॉलिनेशन में बात करते हैं कि दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो दो डिफरेंट फ्लावर वो सेम प्लांट पे है या डिफरेंट प्लांट पे है, तो उसके बेसिस पे भी हमने क्या करा, डिफरेंसेस इसको टाइप्स लिए हैं। तो यहाँ पे तीन टाइप हम बोल रहे हैं, ऑटोगैमी, ज़ेटेनोगैमी एंड ज़ीनोगैमी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर ऑटोगैमी, ऑटो मतलब सेल्फ, है ना, और गैमी का मीनिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं मैरिज से, तो ऑटोगैमी का मीनिंग निकला सेल्फ मैरिज। सेल्फ मैरिज यानी कि एक तरीके से आप इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। इसमें जो है कंडीशन क्या होगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब दोनों ही सेक्स जो है एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहे हैं, जो ट्रांसफर हो रहे हैं पॉलन ग्रेन के वो सेम फ्लावर के बीच में होंगे। तो कंडीशन क्या होगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, ठीक है, और क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है,
जब सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर जाते हैं पिस्टिल के, तो वो पॉलिनेशन हमारा कौन सा कहलाता है? ऑटोगैमी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम सेल्फ मैरिज यानी कि एक तरीके से लव मैरिज बोल दिया है ना, सेल्फ की अपने आप से मैरिज कर ली उन्होंने। ठीक, एक ही फैमिली मेंबर्स में शादी हो गई, तो आप उससे इसको समझ सकते हो या याद रख सकते हो कि फैमिली मेंबर्स में आपस में कि कजन्स, दो कजन्स हैं उन्होंने शादी कर ली, तो हो गई सेल्फ मैरिज, कि एक ही फैमिली में शादी हो रही है। तो यहाँ पे भी एक ही फ्लावर में जो है पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगैमी। तो इसमें हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कौन से? पी और राइस। एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया यहाँ पे? पी एंड राइस। इसके अंदर इसी तरीके का पॉलिनेशन मिलेगा। अब हम इसकी ऑटोगैमी में कुछ डिवाइसेस लेते हैं जो ऑटोगैमी को प्रमोट करती है। ठीक है, डिवाइसेस ऑफ ऑटोगैमी। इसमें सबसे पहले जो डिवाइस आती है वो होता है क्लिस्टोगैमी फ्लावर। ठीक है, सी क्लिस्टोगैमी फ्लावर, इंपॉर्टेंट है क्लिस्टोगैमी फ्लावर। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमी फ्लावर मतलब क्लोज्ड फ्लावर, जिसके अंदर जो स्टैमन है या उसका पिस्टिल है वो एक्सपोज नहीं हो रहा है, पेटल से कवर्ड है, एक्सटर्नली बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, तो वो एक्सपोज नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उसके पॉलन ग्रेन्स बाहर की तरफ शेड ना होकर अंदर ही शेड होंगे और उसके पिस्टिल पर ही क्या हो जाएंगे, वो शेड ऑफ हो जाएंगे और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। और अगर बाहर एक्सपोज होता तो पॉलन ग्रेन शेड ऑफ होके विंड के थ्रू बाहर भी जा सकते थे, या फिर उसके पिस्टल पे दूसरे पॉलन ग्रेन के आने के चांसेस भी थे, लेकिन ये कैसा होता है? क्लोज्ड फ्लावर है, क्लिस्टो, क्लिस्टो मतलब क्लोज्ड है ना फ्लावर, तो क्लोज्ड फ्लावर हुआ। तो क्लोज्ड फ्लावर में जो है कैसा होता है, ये कभी भी ओपन नहीं होता और जो एंथर होंगे वो कहाँ होंगे? अंदर ही शेड ऑफ हो जाते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे हम? एंथर डाइसेस इनसाइड द फ्लावर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के ऊपर। और इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं कॉमेलाइना। ठीक, एग्जांपल हो गया इसमें कॉमेलाइना। सेकंड डिवाइस हम लेते हैं इसमें होमोगैमी। होमोगैमी, होमोगैमी का मतलब हो गया इसमें जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो क्या होगा? लगभग सेम। होमो मतलब सेम, तो इसमें जो मैच्योरिटी पीरियड होगा किसका? एंथर और पिस्टिल का। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एंथर एंड पिस्टिल आर सेम। ठीक है, जब उनका पीरियड सेम है, टाइमिंग मैच्योर होने के सेम है, तो उसमें पॉलिनेशन के चांसेस क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बन गए। अगर मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग होता, जैसे सपोज करिए पॉलन ग्रेन पहले मैच्योर हो गए लेकिन पिस्टल मैच्योर नहीं हुई, तो पॉलन ग्रेन अगर शेड हो रहे हैं तो पिस्टल पे जान अगर शेड हो भी जाते हैं तो वो उसको रिसीव नहीं करेगा, रिसेप्ट नहीं करेगा, तो वो फिर उसको क्रॉस पॉलिनेशन के उसमें चांसेस रहेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। और या अगर पिस्टल पहले डेवलप हो गई है और पॉलन ग्रेन डेवलप नहीं हुए, तो पिस्टल जो है किसी दूसरे के पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेगी। तो ये चीज यहाँ पे क्या है कि दोनों के मैच्योरिटी पीरियड सेम है, तो दोनों का मैच्योरिटी पीरियड सेम होने पर क्या हुआ? अगर एक उसके पॉलन ग्रेन शेड ऑफ हुए तो वही पिस्टल उसको क्या कर लेगी? रिसीव कर लेगी, जिससे पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका? एग्जाम्पल है इसमें कैथरेंथस। ठीक है, कैथरेंथस होता है। और इसमें फिर जो बाकी इसमें जो है क्लोज रिलेशनशिप होता है, क्या नाम है, एंथर और स्टिग्मा का। एंथर और स्टिग्मा इसमें क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन, एक तो मैच्योरिटी पीरियड होती है और एक इसमें होता है कि क्लोज एसोसिएटेड, क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं कौन? एंथर और इनके बीच में, एंथर और स्टिग्मा के बीच में क्लोज एसोसिएशन होता है। इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं किसका?
क्लॉक प्लांट यानी कि मिराबिलिस जलापा। ठीक है, तो ये दो डिवाइस हुई इसमें। फिर अब ये तो हो गई किसकी, ऑटोगैमी का। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं जिटेनोगैमी यानी कि नेबर मैरिज। ठीक है, अब ये जिटेनोगैमी और जीनोगैमी जो दो हम पढ़ेंगे, ये एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन है। तो मैंने आपको शुरू में दो कंडीशन बताई थी कि एक तो कंडीशन होती है कि एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बट इन सेम प्लांट। और एक कंडीशन होती है कि डायोशियस कंडीशन, डायोशियस प्लांट है कि सेपरेट प्लांट है, मेल और फीमेल दोनों पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर तो किसमें हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगैमी में। लेकिन जो हम ये दोनों पढ़ रहे हैं टाइप, अभी जेनेटोगैमी और जीनोगैमी, दोनों में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। और इसमें जो अब क्या आएगा, इसमें क्या हुई कंडीशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा और मोनोशियस प्लांट होगा। मोनोशियस प्लांट मतलब जिसमें कि एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स प्रेजेंट है, दोनों सेक्स है लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसमें जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट यानी कि मोनोशियस प्लांट, है ना। एक ही प्लांट पे दो फ्लावर लगे हुए हैं। जैसे सपोज करिए ये प्लांट है इस तरीके से, इस पे यहां पे ऊपर ये फीमेल फ्लावर है या मेल फ्लावर है और नीचे क्या है, फीमेल फ्लावर। तो ये पॉलन ग्रेन शेड ऑफ होके किस पे आ जाएंगे, फीमेल पे। तो ये बाइसेक्सुअल, सॉरी यूनिसेक्सुअल कंडीशन है बट मोनोशियस प्लांट है। तो ये कौन सा हुआ, जिटेनोगैमी। तो इसमें जैसे रिजिनस होता है, कैस्टर ऑयल प्लांट होता है, उसमें भी एग्जांपल देखने को मिलता है, उसके अंदर भी यूनिसेक्सुअल और मोनोशियस कंडीशन होती है। तो इसमें एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं कुकरबिटा। कुकर बिटा है या रिसिनस हो गया, रिसिनस जो कैस्टर ऑयल प्लांट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये नेबर मैरिज हमने क्यों बोला, जैसे सेम प्लांट मतलब कि एक कॉलोनी है, कॉलोनी में दो क्या हो गए, नेबर हो गए, उनके बीच में मैरिज हो गई, तो वो क्या हो गया, नेबर मैरिज। इसलिए हमने इसको ना, एक ही प्लांट पे है दो फ्लावर है, उनके बीच में पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वो नेबर मैरिज। इसी तरह से सेम कॉलोनी है और सेम कॉलोनी में दो नेबर्स के घर हैं, उनमें आपस में बीच में मैरिज हो गई, बॉय और गर्ल में, तो वो हो गई नेबर मैरिज। ठीक, उसी तरीके से हम नेक्स्ट लेते हैं इसमें थर्ड टाइप, जीनोगैमी। इसको एलोगैमी भी बोलते हैं, इसको आप अरेंज मैरिज का नाम दे सकते हैं, है ना। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि जो मैरिज होती है वो फैमिली की अकॉर्डिंग होती है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। तो उसमें कहीं से भी किसी से भी रिलेशन हो जाता है, दूसरे सिटी से, दूसरे स्टेट से, किसी से भी। तो यहां पर भी जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा वो कहाँ कैसे होगा, दो डिफरेंट प्लांट के बीच में, है ना। तो यानी कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन है बट मोनोशियस कंडीशन नहीं है। कौन सी कंडीशन होगी, डायोशियस कंडीशन। तो हम इसमें कंडीशन क्या लेंगे, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट डायोशियस प्लांट। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, डिफरेंट प्लांट आ रहे हैं ना,
इसी वजह से हमने इसको अरेंज मैरिज बोला है, क्योंकि अरेंज मैरिज में कोई किसी का रिलेशन नहीं होता है, मतलब कि एक डिफरेंट स्टेट भी हो सकते हैं, डिफरेंट सिटी भी हो सकता है ना, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया अरेंज मैरिज का। तो इसमें एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, मेज, क्योंकि मेज के जो प्लांट होते हैं वो डायशियस होते हैं, मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा, तो ये दोनों टाइप एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन में आते हैं, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं डिवाइसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करके क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करा जाता है। तो अगर उनमें ये करेक्टर प्रेजेंट होंगे जो अभी मैं बताऊंगी, तो वो प्लांट क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे और सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें कंडीशन आती है यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी में क्या हो गया कि सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट होता है प्लांट में, या तो वो फेल फीमेल होगा या फिर क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। एक प्लांट मतलब कि दोनों प्लांट क्या होंगे, सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो जब डिफरेंट प्लांट पे होंगे तो क्या होगा उनमें, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। सेकंड कंडीशन इसमें होती है डाइकोगैमी, ठीक है। डाइकोगैनी मतलब दो आ गया इसमें, तो इसमें पॉलन और स्टिग्मा दोनों जो फ्लावर होते हैं उनके मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता है, मैच्योरिटी टाइम आर डिफरेंट, किसका, एंथर का और स्टिग्मा का, ठीक है। तो इसमें हम दो सब टाइप ले सकते हैं, एक तो होता है इसमें प्रोटो एंड्री और एक होता है इसमें प्रोटोगाइनी। प्रोटो मतलब पहले, एंड्री मतलब एंड्रोशियम, गाइनी मतलब गाइनोशियम। तो यानी कि जब पहले फर्स्टली कौन मैच्योर होगा, फर्स्टली मैच्योर मेल पार्ट, ठीक है। जब मेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है और प्रोटोगाइनी मतलब गाइनोशियम, तो फर्स्टली कौन मैच्योर हो रहा है इसमें, फीमेल पार्ट यानी कि गाइनोशियम, ठीक है। मैंने फीमेल और मेल पार्ट लिख दिया है। तो प्रोटोएंड्री मतलब ये जो कंडीशंस हैं ये क्या करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है। अगर एक प्लांट, एक ही फ्लावर है, बाइसेक्सुअल कंडीशन है और उसमें दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, दोनों सेक्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें दोनों का मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग होगा, तो जिससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाएगा। अगर सेम पीरियड होता है जैसे मैंने पहले बताया था, तो उसमें क्या होगा, वो एक ही में क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा सेम टाइम पर। बट अगर दोनों के मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा एक थर्ड कंडीशन इसमें आ जाती है, कौन सी, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी में आ गया स्टराइल मतलब जो कि नॉन फंक्शनल है, है ना। अगर उसमें जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू मतलब कि प्लांट के अंदर कुछ इस तरीके की जेनेटिक मैकेनिज्म क्रिएट हो जाए कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सके, उसका मेल पार्ट स्टराइल हो जाए या फीमेल पार्ट स्टराइल हो जाए, तो वो क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। जेनेटिक मैकेनिज्म जो होती है जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। फिर इसमें फोर्थ कंडीशन आती है, कौन सी, ये तो हो गया सेल्फ स्टेरिलिटी, और नेक्स्ट कंडीशन आती है इसमें चेस्मोगैमस। अभी हमने ऑटोगैमी में क्लिस्टोगैमस फ्लावर पढ़ा था डिवाइसेस में, अब यहां ले वो क्लिस्टो मतलब क्या था, क्लोज्ड, और ये कैसा फ्लावर है, ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर है, तो इसके जो सेक्सुअल पार्ट होंगे वो एक्सपोज रहते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं,
है ना, और जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, जब ये एक्सपोज होते हैं बाहर की तरफ तो इजीली क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, उस पर बर्ड आके आराम से बैठ सकती है, इंसेक्ट बैठ सकते हैं और उसके पॉलन ग्रेन्स को कैरी कर सकते हैं, या दूसरे पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे शेड ऑफ कर सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है ये ओपन फ्लावर, और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो ये डिफरेंस आता है क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर में, ठीक। और इसमें क्या नाम है, जो ओपन फ्लावर होते हैं ये प्रोटो एंट्री कंडीशन, इसमें एग्जाम्पल होता है मेज, और इसके अंदर एग्जाम्पल है बाजरा। बाजरा के अंदर गाइनेशियम पहले मैच्योर होगी और मेज के अंदर मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है। नेक्स्ट कंडीशन इसमें आती है हेट्रोस्टाइली का हो गया मतलब कि हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब उनकी लेंथ। जैसे हम एक फ्लावर बना रहे हैं इस तरीके से, और यहां पे ये पार्ट आ गया इस तरीके से ओवरी, तो जो स्टैमेंस होंगे वो एक्सपोज करके बाहर निकले हुए होंगे, उनकी लेंथ क्या हो गई, इनसे लंबी हो गई। तो ये डिफरेंट जो लेंथ होती है किसकी, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की, वो उसमें क्या आ जाता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर देती है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। या फिर फीमेल पार्ट इलोंगेट होगा और स्टैमंस क्या होंगे इसके, छोटे होंगे लेंथ में। तो ये इस तरीके से क्या होता है कि मतलब अगर स्टैमन और उनकी जो स्टाइल होती है वो अगर डिफरेंट लेंथ की है तो वो क्या करती है, फिर उसको सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, डिफरेंट लेंथ लेंथ ऑफ स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल, स्टाइल एंड स्टेम, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कौन से, एक तो होता है प्रेम्यूला, और एक है लाइनम, ठीक है। तो ये हो गई किसकी डिवाइसेस, क्रॉस पॉलिनेशन की। अब हम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में हम बोलते हैं कि एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो एजेंट्स कौन कौन से, विंड दो टाइप के हो गए, अबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में दो एजेंट्स, दो टाइप के एजेंट्स ले लेते हैं हम लोग, बायोटिक एंड अबायोटिक। अबायोटिक में दो आ जाते हैं, विंड एंड वाटर, और बायोटिक में ऑर्गेनिज्म आ गए, इसमें रेप्टीलिया हो गया, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, मैमल। तो ये जो होते हैं ये बायोटिक एजेंट्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, एनिमल्स आ जाते हैं इसमें बायोटिक में सारे, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ये सीड डिस्पर्सल में भी और पॉलिनेशन दोनों में हेल्प करेंगे। उसी तरह से अबायोटिक में आ जाता है सिर्फ विंड और वाटर। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं विंड पॉलिनेशन। तो विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली भी बोलते हैं, साइंटिफिकली उसको हम क्या बोलेंगे, विंड पॉलिनेशन। तो विंड पॉलिनेशन जिसके अंदर होता है, जिन प्लांट्स में होता है, तो उनके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से उनमें विंड पॉलिनेशन होता है ना। तो वो विंड पॉलिनेशन में किसके थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमोफिली, एनिमोफिली, ठीक है। तो अब इनके अंदर कुछ करेक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, विंड से पॉलिनेटेड होंगे। अगर विंड से पॉलिनेटेड होना है तो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या करेक्टर्स होंगे, तो पॉलन ग्रेन्स के लिए हम लिख रहे हैं, एक तो क्या होंगे, ये लाइट वेट में होंगे, जितना ज्यादा लाइट वेट में होंगे उतना ज्यादा विंड करंट से क्या हो सकते हैं, वो ब्लो कर सकते हैं, है ना, इजिली ब्लो हो जाएंगे। तो कैसे होते हैं ये, लाइट होते हैं वेट में, नॉन स्टिकी, ड्राई और विंग्ड होते हैं, है ना, कैसे होंगे, लाइट इन वेट, ड्राई, नॉन स्टिकी, ड्राई होते हैं, नॉन स्टिकी, और जो है वेट, ठीक है। तो ये करेक्टर्स होते हैं
पॉलनगेट के जब वो विंड से पॉलिनेटेड होता है, अगर किसी भी पॉलनगेट में ये करेक्टर प्रेजेंट है तो वो विंड से ही पॉलिनेट होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है इस पर कि अगर विंड से पॉलिनेशन हो रहा है या ये पूछ लेंगे, ये करेक्टर्स दे देंगे, तो इसे बताना होगा कि इसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, तो आप क्या आंसर दोगे, विंड पॉलिनेशन। और अगर पूछते हैं कि विंड पॉलिनेशन में पॉलनगेट्स के क्या करेक्टर होंगे, तो आपको ये लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें नॉन स्टिकी, लाइट इन वेट, ड्राई और विंग्ड होते हैं। इसके अलावा जो स्टेमन्स होते हैं वो इसके एक्सपोज होते हैं, वेल एक्सपोज स्टेमन्स होते हैं, है ना, जिसकी वजह से जो जितना वो बाहर एक्सपोज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो विंड के कांटेक्ट में आएगा, और विंड के कांटेक्ट में आने पर वो ब्लो करेगा, है ना। तो वेल एक्सपोज क्या होंगे, स्टेमन्स होंगे, जिससे कि इजीली डिस्पर्स हो जाता है ना, फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पॉलन। ठीक, अब इसके अलावा पॉलन ग्रेन के करेक्टर हो गए। अब उसके जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा में क्या करेक्टर होंगे, अब स्टिग्मा को भी तो कैच करना है ना, तो स्टिग्मा में क्या होगा, स्टिग्मा स्टिकी होगी, ये नॉन स्टिकी है, तो स्टिग्मा कैसी होगी, स्टिकी होगी, ताकि वो उसको क्या कर सके, कैच कर सके, अपने ऊपर ट्रैप कर सके। स्टिकी होती है, लार्ज होती है वो, ताकि इजीली उनको ट्रैप कर सके, है ना, स्टिकी लार्ज फैदरी होगी, फैदरी टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को क्या कर सके, ट्रैप कर सके। और इसके अलावा जो फ्लावर में होता है, जो फ्लावर होगा इसका, फ्लावर कैसा होगा, स्मॉल होते हैं, मतलब कि कोई इसमें ऐसा नहीं है कि ब्राइट कलर में होते हैं फ्लावर, कोई अट्रैक्टिव फ्लावर नहीं होते इसके, न्यूमरस फ्लावर होंगे, पैक्ड होते हैं इनफ्लोरेसेंस में, स्मॉल फ्लावर होते हैं। ठीक, न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस के अंदर पैक्ड होते हैं, न्यूमरस होंगे, इनकन्सिपिकस होते हैं, और स्मॉल साइज के होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि कलरफुल और बहुत ज्यादा ब्राइटली या बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो इसमें एग्जांपल देखने को मिलता है वो ग्रासेस फैमिली में देखता है, ग्रासेस फैमिली के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, विंड पॉलिनेशन। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कॉर्न कॉब, वन मार्क्स में क्वेश्चन आता है कॉर्न कॉब, यानी कि टासल, टासल जो है वो क्या होता है, स्टिग्मा और स्टाइल, मेज का जो स्टिग्मा और स्टाइल होता है उसको टासल, और वो ही कन्वर्ट हो क्या कहलाता है, वो कॉर्न कॉब कहलाता है, जो कि विंड पॉलिनेशन के थ्रू उसको क्या करता है, वो ट्रैप करता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो वो यहाँ पे देखो फैदरी दिखाई दे रहा है, वो कॉर्न कॉब, तो वो जो कॉर्न कॉब है वो क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल है, जिसको जो मेज, मतलब मेज का जो स्टिग्मा स्टाइल है, वो ही किस में कन्वर्ट होता है, फिर कॉर्न कॉब में। तो ये किस लिए है, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। तो ये हुआ यहाँ पे विंड पॉलिनेशन। तो अब नेक्स्ट हम ले लिया यहाँ पे वाटर पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, जब पॉलिनेशन वाटर की हेल्प से होता है तो उस पॉलिनेशन को वाटर पॉलिनेशन या फिर हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, यानी कि इसमें जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है वो क्या है, वाटर है, यानी कि अबायोटिक फैक्टर है। तो इसमें मोस्टली जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो इसमें नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं कॉमनली, ये किसमें देखने को मिलता है, कॉमन इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स और सम एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स में भी जो होंगे वो कैसे होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, है ना। तो इसमें यही रीजन होता है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लिमिटेड होता है, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लिमिटेड। क्यों होता है लिमिटेड, क्योंकि इनको जो है फर्टिलाइजेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, वाटर। ठीक है, क्यों होता है, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है इसमें, वाटर, जिसकी वजह से इसमें जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स का क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। इसके अलावा जो पॉलिनेशन होता है इसमें लगभग 30 जेनरा जो है मोनोपॉड्स के वो लिमिटेड हैं, और जिनके अंदर पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू। एंजियोस्पर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो 30 जेनरा जो है वो किसके हैं, मोनोपॉड्स के, जिनके अंदर कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं यहां पर, एक तो होता है वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया है, और हाइड्रिला। ठीक, वाइल्ड हाइड्रिला और कौन सा है, वेलिसनेरिया है, ये सबमर्स्ड फ्रेश वाटर है ना, और जो ये कैसा हो गया, सबमर्स्ड फ्रेश वाटर है तो एंजियोस्पर्म ही है ना, लेकिन सबमर्स्ड और कौन से उसमें सबमर्स्ड होंगे, ये फ्रेश वाटर में। और एक एग्जांपल है जॉस्टेरा, ये भी सबमर्स्ड है लेकिन ये किसमें मिलता है, मैरिन फॉर्म में है, ये कहां मिलता है, मैरिन वाटर। ठीक, तो वेलिसनेरिया और जो हाइड्रिला है, तो वेलिसनेरिया की जो स्टॉक होती है वो बहुत कॉइल्ड और लॉन्ग होती है। ठीक है, इसकी वेलिसनेरिया की, तो इसमें जो है, हाँ, तो वेलिसनेरिया में इसकी जो स्टॉक है वो बहुत लंबी होती है, तो इसमें जो है यहां इसकी स्टॉक जो होगी फ्लावर की, स्टॉक ऑफ फ्लावर, स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉइल्ड एंड लॉन्ग। ठीक है, तो ये वाटर करंट वाटर सरफेस पे जाती है ना, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है, तो जो फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स होंगे वो वाटर के, और ये कैसे होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं, पानी में डिप हैं, तो ये क्या करते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो वाटर करंट के थ्रू उसके सरफेस पे चले जाते हैं जब वो शेड करते हैं, और इसकी जो कॉइल और स्टॉक होती है, लॉन्ग स्टॉक, वो वाटर सरफेस पे उप जाती है और वहां से उनको क्या करती है, कैच करती है किसको, पॉलन ग्रेन को। ये कहां जाएंगे, टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर पे जाते हैं और वहां से फिर पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, ये कैच करते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये टू रिसीव पॉलन ग्रेन। ठीक, पॉलन ग्रेन को रिसीव करेंगे वाटर करंट के थ्रू, जो वाटर करंट के थ्रू पॉलन ग्रेन आ रहे हैं उसके थ्रू ये उसको क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। उसी तरीके से जो होते हैं सी ग्रासेस होती हैं, उनमें फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड होता है वाटर के अंदर और वो पॉलन ग्रेन वाटर के ही थ्रू क्या कर लेता है, उसको रिसीव करता है। सी ग्रासेस भी इसी तरीके से होती है, ये भी कैसी हो गई, सबमर्ज्ड, इनका सबमर्ज कौन होगा, फीमेल फ्लावर। ठीक है, फीमेल फ्लावर सबमर्ज होता है तो जो पॉलन ग्रेन्स उसके अंदर शेड ऑफ होंगे तो फीमेल फ्लावर उसको क्या कर लेती है, रिसीव कर लेती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो वाटर पॉलिनेशन है उनके लिए इसमें कुछ एडेप्टेशन होते हैं जिससे कि पॉलन ग्रेन वाटर के थ्रू पॉलिनेट हो सके। तो क्या एडेप्टेशन होंगे उनके अंदर, पॉलन ग्रेन्स के अंदर, पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, इसके पॉलन ग्रेन्स इसके जो होते हैं वो लॉन्ग, स्टिकी और रिबन लाइक होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, लॉन्ग, स्टिकी एंड रिबन लाइक, जो इजीली वाटर करंट के थ्रू क्या हो सके, फ्लोट हो सके, है ना, तो ये इजीली जो है वो वाटर के थ्रू कैरी हो सकते हैं। और दूसरी चीज, इनके अंदर ये जिससे कि वाटर से प्रिवेंट हो सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, उनके चारों तरफ म्यूकिलेजिनस शीथ की कवरिंग होती है ना, प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रोटेक्ट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, है ना, प्रोटेक्टिंग
प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, गीले होने से बचने के लिए उनके अंदर क्या होता है, उनके ऊपर म्यूकिलेजिनस शीथ की कवरिंग होती है बाय प्रेजेंस ऑफ म्यूकिलेजिनस शीथ. ठीक है, म्यूकिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये वेटिंग से प्रिवेंट हो जाते हैं. ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है ये वाला, इंपॉर्टेंट है. तो ये हो गया किसके, पॉलन ग्रेन्स के करेक्टर, लॉन्ग है, स्टिकी है, रिबन लाइक है और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वेटिंग से, म्यूकिलेजिनस शीथ से कवर्ड होकर. इसके अलावा जो फ्लावर होगा, स्टिग्मा होगी, स्टिग्मा, स्टिग्मा इसकी कैसी होगी, लॉन्ग. ठीक है, जैसे हमने विंड पॉलिनेशन में बोला था, लॉन्ग होती है और कैसी होती है, स्टिकी. ठीक, और विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन दोनों के लिए जो फ्लावर्स के करेक्टर होंगे वो क्या होंगे, इसमें जो फ्लावर के करेक्टर होंगे मतलब फ्लावर के लिए एडेप्टेशन होंगी वो क्या होंगी, इसमें दोनों ही, दोनों में जो है वो इनकन्सिपिकस होंगे, स्मॉलर स्मॉल होंगे और कलरलेस होंगे. ठीक, स्मॉल, कलरलेस और इनकन्सिपिकस. ठीक है, इनकन्सिपिकस मतलब आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच्ड है, स्मॉल फ्लावर है, एक ही इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड रहते हैं ये और नेक्टरलेस होते हैं. ठीक है, तो ये जो कॉमन करैक्टर है, अगर ये करैक्टर आता है तो आप इसमें वाटर पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन दोनों लिख सकते हो कि ये करैक्टर फ्लावर में विंड पॉलिनेशन और फ्लावर पॉलिनेशन दोनों में मिलता है. और अगर वाटर के लिए पॉलन ग्रेन्स के करैक्टर आते हैं तो आपको ये लिखने पड़ेंगे. ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी, वाटर पॉलिनेशन. तो नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन. तो इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एंटोमोफिली, जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं वो हो गए इंसेक्ट पॉलिनेशन या फिर एंटोमोफिली. तो इनके अंदर जो अडेप्टेशन होते हैं फ्लावर के लिए, फ्लावर के लिए जो अडेप्टेशन होंगे वो क्या होंगे, जैसे हमने विंड और वाटर के लिए बोला था कि वो कलरलेस और नेक्टरलेस होते हैं, है ना, इनकन्सिपिकस होते हैं, लेकिन इसमें जो फ्लावर होंगे वो लार्ज होते हैं और कलर्ड होते हैं, ब्राइट कलर्ड होंगे. कैसे होते हैं ये, ब्राइट कलरफुल होते हैं, ब्राइट होते हैं, ताकि इंसेक्ट्स क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके उन पर, इंसेक्ट्स भी और बर्ड के लिए, बर्ड के लिए भी यही करैक्टर आता है. और बर्ड पॉलिनेशन को, बर्ड पॉलिनेशन कहलाता है ऑर्निथोफिली. ठीक है, तो इसमें जो है ब्राइट कलर के लार्ज होते हैं और हनी होता है इनके अंदर, हैव हनी, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो नेक्टर सिक्रीट करेगा. ठीक, और क्या होता है इसमें कि जो हाईली फ्रेग्रेंट होता है ना, नेक्टर ग्लैंड होगा तो वो क्या करेगा, विद सिक्रीट नेक्टर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. ठीक, इंसेक्ट्स उससे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, तो इसमें जो है बाकी पॉलन ग्रेन्स जो होंगे, पॉलन ग्रेन्स की जो सरफेस होगी वो स्टिकी होती है, है ना, पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, स्टिकी. ये कैसे होते हैं, स्टिकी. क्यों होते हैं स्टिकी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से, जो इनकी एग्जाइन लेयर होती है उसकी वजह से, है ना, ड्यू टू एग्जाइन लेयर. एग्जाइन लेयर जो स्पोरोपोलन की बनी होती है उसकी वजह से ये स्टिकी होते हैं, जो इजिली ये किसी भी सरफेस पे जाएगा तो, या मतलब जैसे अगर इंसेक्ट के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उनकी बॉडी पे इजिली क्या हो जाएगा, ये अटैच्ड हो जाएगा, है ना. बर्ड अगर उसको कैरी करता है, बर्ड आकर नेक्टर लेता है, बर्ड या इंसेक्ट, तो उसकी बॉडी पे वो इजिली क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा. तो इसलिए उनकी जो आउटर लेयर होती है, एग्जाइन लेयर, वो स्टिकी होती है क्योंकि वो स्पोरोपोलन की बनी होती है. इसके अलावा जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी होता है, वो भी जो स्टिग्मा होगा यानी कि फीमेल का पार्ट, स्टिग्मा भी क्या होगा, स्टिकी होगा, है ना, इसकी वजह से
ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ऑफ म्यूकिलेज. म्यूकिलेज का सिक्रीशन होता है वहां पर, जिसकी वजह से स्टिग्मा स्टिकी होता है और वो इन पॉलन ग्रेन्स को इजीली क्या कर लेगा, कैच कर लेगा. ठीक है. और इसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं वो कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रेजेंट देते हैं, है ना, स्पेशल करेक्टर है. कुछ फ्लावर जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्या ऑफर करते हैं, कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड्स. ठीक है. फ्लोरल रिवॉर्ड्स में जैसे कि बहुत ज्यादा नेक्टर का सिक्रीशन हो रहा है ना, तो उससे वो अट्रैक्ट होते हैं, या फिर उनको एग ले करने के लिए देते हैं. तो दो चीजें आ गई इसमें, एक तो हो गया नेक्टर, ठीक, और एक होता है स्पेस फॉर लेइंग एग्स. ठीक. तो इसमें जो हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है युका प्लांट और मॉथ की स्पीशीज का. युका प्लांट एंड स्पीशीज ऑफ मॉथ, ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें कि दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होती है. जो मॉथ की स्पीशीज है वो युका प्लांट के ओवरी के लॉक्यूल्स में क्या करती है, ये एग देती है. ये किस एग ले करेगी, ले एग्स कहां करती है, लॉक्यूल ऑफ ओवरी. ठीक. और इसके बदले में युका प्लांट को क्या मिलेगा, पॉलिनेशन. ठीक. तो दोनों की एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती. और इसके अलावा एक हम एग्जांपल इसमें लेते हैं जो सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है, एमॉर्फोफेलस. इसी के लिए टॉलेस्ट फ्लावर एमॉर्फोफेलस, लगभग इसकी 6 फीट की हाइट है. इसके अंदर भी कुछ स्पीशीज होती है इंसेक्ट की जो क्या करती हैं, अपने एग को ले करती हैं. ठीक है. तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन हुआ, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पॉलिनेशन. इसमें इस पे युका और स्पीशीज ऑफ मॉथ के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसकी रिलेशनशिप आ जाती है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होता है, और इसके करेक्टर्स आ जाते हैं फ्लावर के या इसके पॉलन ग्रेन के. फिर अब आता है बैच पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं चिरोटेरोफिली. तो चिरोटेरोफिली सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है इसके अंदर बैट के थ्रू पॉलिनेशन में, कि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सबसे लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन तक हो सकता है. इसमें लगभग 30 किलोमीटर से ज्यादा तक भी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन ग्रेन बाय बैट, है ना, बैट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो कितना क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक, टू लॉन्ग डिस्टेंस सम टाइम ओवर 30 किलोमीटर. ठीक है. लगभग 30 किलोमीटर से ज्यादा भी कई बार डिस्टेंस क्या कर लेते हैं, ये कवर कर लेते हैं. इसके अलावा जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, डल कलर में होते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग सेंट होती है. जैसे हमने इंसेक्ट ऑफ बर्ड के लिए कलरफुल बोले थे, तो ये फ्लावर कैसे हैं, लार्ज हैं और डल कलर हैं. वो कैसे थे, ब्राइट कलर के थे, ये कैसे होते हैं, डल कलर्ड होते हैं और हैविंग लार्ज सेंट. ठीक. लार्ज साइज होता है इसमें, स्मेलिंग पावर, स्मेल अच्छी होती है, तेज होती है इनकी. और इसके अलावा जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें नेक्टर भी बर्ड पॉलिनेशन के कंपैरिजन में ज्यादा सिक्रीट होगा. ठीक है. तो इसमें जो फ्लावर है मोर पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड, ठीक, पॉलन ग्रेन भी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और मोर नेक्टर सिक्रीट.
देन बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन को हमने क्या नाम बताया था? ऑर्निथोफिली। ठीक है, तो ये किसके होते हैं? बैक पॉलिनेशन में करेक्टर्स हो गए कि इनका फ्लावर लार्ज और डल कलर का होता है, सेंट ज्यादा होती है, पॉलन बीन्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं इनके अंदर, और नेक्टर इसमें बर्ड पॉलिनेशन से भी ज्यादा सिक्रीट होता है। ठीक, और पॉलन बीन इसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या हो सकते हैं? ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो है एडेंसोनिया, एक तो एग्जाम्पल है, है ना, एडेंसोनिया है एक तो एग्जाम्पल, और सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं कौन सा? एंथोसिफेलस। ठीक, तो ये हो गया किसका? बैड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये पूरा पॉलिनेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं जीनोगैमी, जिटेनोगैमी या उसमें ऑटोगैमी और इनके बीच में, और इसमें बाकी इनके जो एडेप्टेशन पढ़े हमने इनके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप नहीं होता, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होता है। इंपॉर्टेंट है और अच्छे से करिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।